सीएम अशोक गहलोत नागौर दौरे पर है, चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। एक सेकंड सर पीछे रहो आप। और भक्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं गहलोत साहब का बहुत बहुत
निर्णय लिया और निर्णय ऐसा लिया, एक दिन पहला कह भाई मैं आऊंगा हनुमान जी की बाप जी का उद्घाटन कर लिए और लोगों का दर्शन करना और आशीर्वाद लेना, बहुत बहुत धन्यवाद देना देना चाहता हूँ गहलोत साहब आपको। हमारा मान सम्मान एरिया का मान सम्मान रखा आपने, पूरा नागौर जिला आपके लिए आभारी रहेंगे और अब जो जहाँ जरूर पड़ेगा तो आपका सपोर्ट करेंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत ही सुंदर भाव रखे हमारे पूर्व सांसद श्री बद्रीराम जी जाखड़ साहब ने। वास्तव में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने इस रामधाम के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ में पर्यटन विभाग के द्वारा अपनी खूब सेवाएं प्रदान की है और आगे भी आशा रखते हैं कि दिव्य और भव्य धाम के लिए आप अपने सेवाएं देते रहेंगे। अब आगे की कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे मेड़ता के पूर्व विधायक श्री रामचंद्र जी जारोड़ा साहब से, या आप पधारे और दो शब्द आप अपने रखें। राम राम सर, आज रेड धाम दयाल जी महाराज के इस पवित्र स्थान पर आचार्य हरिनारायण जी महाराज साहब के देवल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित इस समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के जननायक गरीबों के मसीहा और जन धन के नेता राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे नागौर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव जी, मुख्य सचेतक जी महेंद्र चौधरी जी, हमारे किसान नेता और जन जन के नेता इचपाल बिरदा जी, जाकिर हुसैन जी, हमारी युवा ऊर्जावान एमएलए चेतन डूडी जी, युवा ऊर्जावान एमएलए भाई विजयपाल बिरदा जी और इसी जो दरियाव धाम के मैन हैं सदनराज जी महाराज साहब और उत्तराधिकारी उनके बस्तीराम जी, सभी साधुगण और इस इलाके से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, मैं आज इस पवित्र धरती पर दरियाव धाम पर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का मेड़ता की जनता की तरफ से, छत्तीस कौम के लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही अमूल्य समय निकाल कर इस मेड़ता की जनता के लिए और दरियाव धाम के दर्शन करने के लिए आपने बीच पधारे हैं, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनकी जल कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में है, चाहे कोरोना का काल आया हो, चाहे कैसी भी परेशानी आई हो इस राजस्थान और देश में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उसको दूर करने का प्रयास किया है और पूरे देश में नंबर वन पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं जो 36 कौम के लोगों को साथ लेकर और हमेशा गरीब जनता और पीड़ित जनता के लिए आज कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे नरेगा हो, चिरंजीव योजना हो और जितनी आज ओल्ड पेंशन की है, बहुत बड़ा एक देश में एक निर्णय किया है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने एक बहुत एक ऐसा संदेश दिया। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए संवाददाता संदीप बोहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संदीप, देखिए नागौर दौरे पर सीएम अशोक गहलोत है, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? हेलो जी संदीप, देखिए सीएम अशोक गहलोत नागौर दौरे पर है, अभी क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या अपडेट मिल पा रही है? हेलो जी संदीप, देखिए आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप, नागौर दौरे पर सीएम अशोक गहलोत है, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? जी मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री रेड पहुंच चुके हैं, हेलीपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यथा मुख्य उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर हुसैन, तमाम विधायक सहित प्रशासनिक अमले ने उनका स्वागत किया। स्वागत के पश्चात मुख्यमंत्री तुरंत नव निर्मित हरिनारायण शास्त्री स्मृति मंदिर के लोकार्पण हेतु पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा यहां पर सीसी रोड, ब्लॉक, टीन शेड और घाट बनाए गए हैं, उसी के लोकार्पण हेतु मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। उनके लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री रामधाम देवल में स्थित सभा भवन में पहुंच गए हैं, जहां उनके स्वागत सत्कार का
कार्यक्रम चल रहा है जी। जी शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम अशोक गहलोत नागौर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आमजन से आत्मीयता से सीएम अशोक गहलोत मिले हैं, दरियाव धाम में निर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत नागौर दौरे पर हैं। साथ ही आचार्य हरिनारायण महाराज के देवल का भी उद्घाटन करेंगे। दिसंबर में राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ और अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री जी राजस्थान को कोई भी एमएलए कोई काम मांगने दियो तो बिना एक ही बात की भाई थे मांगता मांगता था दिया हो पर मैं अशोक गहलोत देखो थको मांगता अब आप खुद की है आपका मुंडा हो अशोक जी गहलोत और मैं कई बार सत्य गियो कई एमएलए की तरह बात सुनी मैं हमेशा जब वो काम करे भी की तारीफ किया करूं और नहीं काम करे तो भी वो मंच मारे मैं कह दिया करूं वो अशोक की वार्ड में बैठो इतने था है आप खुली सटीक बात लिखे करो ये वास्ते राजस्थान का मुख्यमंत्री अब की बार राजस्थान की जनता को काम करने के मायने कोई कमी को नहीं रखी और अब वोट तो देना बाबूड़ा था के हाथ है कि इतने राजा के तो बस नो हाथ है फिर वो ट्राई करो को है ना जितना भी लोग विराजमान हो हरिनारायण जी महाराज तो स्वर्ग में गया पर थे जितना लोग और मारी माताओं बहना बैठी है बाकी आत्मा में परमात्मा बिराजे बाकी सबकी आत्मा में परमात्मा बिराजे और थे भगवान का रूप हो कम नहीं हो माने हजारों हजार लोगों का दर्शन हुए रोज मान लो भगवान का दर्शन हुए हमेशा भगवान का दर्शन हुए आज तो मारो निवेदन है कि जगह संत हरिनारायण जी महाराज हुआ हजारों हजार भाइयों के वास्ते सेवा करी पर राजस्थान का मुख्यमंत्री जी ने मैं एक दिन निवेदन करियो मैं क्यों गहलोत साहब गायों को अनुदान बंद मत कर जो राजस्थान में ताकि सरकार पाची जानी है जरा यह गाय ला सके और मुख्यमंत्री जी मारी बात ने मानी और अब ये कह रहे हैं कि 9 महीना को अनुदान जारी हुआ है राजस्थान में गाया ही अनुदान के कारण बचोड़ी आज 15-16 रुपया किलो कुत्तर 14 रुपया किलो खागड़ो कटू लिया बापूरा खूंदो निकल दे जावा आज मैं नहीं जानो आज मैं कुछ पर राजस्थान की सरकार की मदद करी तो अपना धोखा दिन आए चिरंजीवी योजना कई तरह की योजना चल रही है बाकी जानकारी है थाने बंद लाभ लेना चाहिए रिकीण जी तो आप सब लोग मैं ज्यादा समय बोल ले हमारी भावना है कि आदमी ने आदमी की मदद करनी चाहिए हरिनारायण जी महाराज का बतावड़ा मार्ग माते अपन चालना चाहिए मनुष्य जीवन बार बार खुलना मनुष्य जीवन बहुत कठिन है बहुत दुर्लभ है और वो जितनी जूनी मिली है कि मैं कर जाऊ की कोई संत महात्मा की और छो को काम करने के वास्ते 100 वर्ष जीवन की आवश्यकता नहीं है एड़ो काम जितना दिन मिला वहां मैं भी कर सकोगे जाऊं नाला 100 साल रहूं नाला 100 साल थानी याद करे के फलाना आदमी काम कर गो है फलाना आप सब लोगों का दर्शन करिया महाराज का दर्शन करिया मैं महाराज ने वही निवेदन करूं ही काम को गौरव आज राजस्थान का मुख्यमंत्री है डार ऊंचो करियो है ये गौरव ने सज्जन राज महाराज हमेशा राम सनी दरबार के मायने ऊंचो राज नो कभी नीचो नहीं
और आज हरिनारायण जी महाराज की पुण्यतिथि माते आप सब की तरफ आज सच्ची श्रद्धांजलि हुई कि तुम कोई संकल्प ले जावा और छो को काम करने की प्रतिज्ञा करा गाय की और बूढ़ा भाई की सेवा बेहदी के सब तीर्थ घर बैठा हो गया सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरिनारायण जी महाराज की, राम स्नेही संप्रदाय की, बोलो राम स्नेही संप्रदाय की। बोली अनंत श्री दरियाओ जी महाराज की, प्रबलीन आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। बहुत ही सुंदर भाव हमारे श्री रिजवाल जी मिर्जा साहब ने अपने रखे। अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, आज हमारे सामने यशस्वी मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं, तो मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपने भाव हम सब के बीच में रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत, राजस्थान के गांधी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन स्वागत रहे की तरह की ओर से मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान से मंच पे पधारे और अपने उद्बोधन दें। प्रतीक है कि
हरिणा जी महाराज साहब के प्रति आपकी क्या भावना थी और दलिया जी ने जिस प्रकार से इसकी स्थापना करी पीठ की उसके प्रति हम सबकी आस्था है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रास्ता दिखाया था उस जमाने के अंदर जब पीठ की स्थापना हुई थी उसी रास्ते में हम चलेंगे जिससे कि पूरे विश्व के अंदर पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर पूरे जिले के अंदर सब जगह पर आपस में सभी जातियों में वर्गों में भाईचारा प्रेम स्नेह लाड पोट सब रहे आपस में झगड़े नहीं हो ये हमारी राम ने संप्रदाय की भावना रही शुरू से ही। राम का नाम जपते थे तब भी वो चाहते थे कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो सब मिलके चले। तो ये पीठ जो है एक संदेश देने वाली पीठ और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज देश के अंदर यही है कोई गांव कोई परिवार में झगड़े होते हैं वो परिवार ऊपर नहीं उठता है। ये बात मैं सब जगह कहता हूँ गांव में झगड़े होते हैं गांव में विकास नहीं होता है। ये बात लागू होती जिले के लिए प्रदेश के लिए देश के लिए। आज माहौल जो बना हुआ देश का आप सुनते होंगे अखबार में पढ़ते होंगे अखबार में पढ़ते होंगे सुनते भी होंगे टीवी के अंदर देखते होंगे क्या क्या हो रहा है। इतने अभी राजस्थान में भी करौली में जोधपुर में दंगे हो गए रामगढ़ में तनाव हो गया ये अच्छी बात नहीं है। हम सब अगर मिलके रहेंगे तब जाकर राजस्थान और तेज गति से विकास करेगा। आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला प्रथम सेवक के रूप में काम करेंगे राजस्थान में। आपके आशीर्वाद से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाऊ तीसरी बार आपके आशीर्वाद और लगातार मैंने हमेशा प्रयास किया कैसा ही दुखी घड़ी थी मुझे याद है 20-22 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना था तब 4 अकाल पड़ गए लगातार उस जमाने का पर हमने हिम्मत नहीं हारी इतना काम किए हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर गांव के अंदर काम के बल अनाज योजना घरों में धान भर गया गेहूं भर गया कोई रखने की जगह नहीं थी वो टाइम पे मैंने देखा कोई कमी नहीं रखी थी उसमें बसों में चारे की व्यवस्था करी पीने के पानी की व्यवस्था करी अकाल सूखा प्रताप मालूम है कि पीने के पानी का संकट नागौर से ज्यादा कौन समझ सकता है। ये तो भला हो इंदिरा गांधी कैनाल हम लेके आए हैं मेरे वक्त में ही सोनिया गांधी जी आई थी आपका नागौर मैंने घोषणा करी थी आप देखे आगे जाके काम करता जा रहा इंदिरा गांधी कैनाल का अधिकांश जगह पर इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आ गया मीठा पानी पीने के लिए आ गया वरना कुबड़ा पट्टी भी नागौर में हुआ करती थी। तो हमेशा ध्यान रखा पीने के पानी हो सीधे की सुविधाएं बढ़े राजस्थान में अकाल सूखे में पूरी इमदाद की गई उस वक्त में भी और तो आपको याद होगा अब नरेगा बन गया मां नरेगा सोनिया गांधी जी डॉक्टर मनमोहन जी थे यूपी गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री तब हम लोगों ने नरेगा कानून बना के पास कर दिया। अब जो है सरकार चाहे किसी पार्टी की हो 100 दिन का रोजगार गांव में मांगने पर मिलेगा मिलेगा और शायद आपको मालूम होगा अभी मैंने 100 की बजाय 125 दिन कर दिया राजस्थान के अंदर 25 दिन का खर्चा करीब 1000 करोड़ का आएगा वो भी राजस्थान सरकार देगी पर सबको मजदूरी मिले तकलीफ कोई नहीं पाए। शहरों में भी मैंने इंदिरा गांधी के नाम से जो महान नेता थी देश की इंदिरा गांधी महिला थी प्रधानमंत्री पद पर रही लंबे अरसे तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए उस वक्त में बांग्लादेश बन गया गरीब लोगों की बात उन्होंने करी किसानों ने विश्वास किया हरित क्रांति करी और आप देख रहे हो आज पहले हम लोग गेहूं बाहर से मंगाते थे अमेरिका से मांगते थे उनसे आज
हम लोग निर्यात करने की स्थिति में हैं। ये सब किसानों के हिम्मत का, हौसले का, मेहनत का परिणाम है। तो इस प्रकार से हमेशा वो निर्णय किए हैं सरकारों ने, जब कांग्रेस की थी तब भी, कि किसान हो। अभी हमने बजट अगर पेश किया किसानों का, पहली बार देश के अंदर किसानों का बजट अलग पेश करने की परंपरा हमने घोषणा करी थी और दुगना कर दिया उसका खर्चा किसानों के लिए। 1000 रुपये किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। आप कहो 5-6 किसानों को तो बिल ही नहीं आ रहे बिजली के कुओं पर। ये स्थिति में डोमेस्टिक हमने 50 यूनिट खत्म कर दी, 15 लाख घरों में बिजली का बिल नहीं आ रहा है, जीरो आता है। अब बाकी बिल भी कम हो गए क्योंकि उनकी यूनिट ने हमने 3 रुपये प्रति यूनिट कम कर दिया, 3 रुपये। तो एक के बाद स्कीमें जो बन रही राजस्थान में, ये जन कल्याण की स्कीम है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, आम आदमी के लिए है। अभी इस बार की बात कर रहे थे आपको चिरंजीवी योजना के लिए। चिरंजीवी योजना 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं, फ्री में 10 लाख का बीमा। अब मुझे एक आदमी मिला जयपुर के अंदर, कहता मेरे गांव का मेरा कोई भाई भतीजा आया था, कोई सीके बिरला का हॉस्पिटल है वहां पे जयपुर में, बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट है वो, 1.5-2 लाख खर्चा होता है अगर हार्ट का ऑपरेट करवाओ तो। कुछ जब ऑपरेट करवाया वो कहता मेरे तो खाली टैक्सी का 170 रुपये भाड़ा लगा, फ्री में मेरा इलाज हो। आप सोच सकते हो इतनी शानदार योजनाएं लागू किए राजस्थान के अंदर, जो देश में कहीं नहीं, पूरे मुल्क में कहीं पे भी, पूरे प्रदेशवासियों का। एक आयुष्मान भारत स्कीम चलती केंद्र सरकार की, आधी आबादी कवर नहीं होती उससे। अपनी योजना देश में एकमात्र है जहां पर पूरे प्रदेशवासियों का बीमा हो गया है किसी कार्ड में, और भूल चुप में वो कार्ड नहीं बनवा रहे और भर्ती होना पड़ जाए उसको अचानक ही, तब भी अधिकार दे दे कलेक्टर को, वो उसको कार्ड ही बनवा दे, इलाज फ्री करवा दे। और तो और किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट में खर्चे 15-20 लाख में लगते हैं, वो भी हमने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए हम पैसा देंगे, उसको एक पैसा खर्च नहीं करना। बहुत शानदार स्कीम बनी है। ऑक्सीजन का बीमा भी साथ में कर दिया, उसके भगवान करे ऑक्सीजन नहीं हो, और हो गए वही तो 5 लाख का बीमा उसमें भी सत्य हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक एक चीज का, जो पशुपालक है उनको 5 रुपये प्रति लीटर दूध का सरकार बोनस दे रही है, जो देश में कहीं पे भी नहीं है। 90 लाख लोगों को अपन दे रहे पेंशन, विधवाओं को, बुजुर्गों को, एकल नारी को, निःस्त्रीजनों को। तो जन कल्याण की योजनाएं ऐसे पावन हितों में बैठ के जो बात करते हैं, तो मन में गर्व होता है कि एक के बाद एक योजना लागू हुई। पहली बार मैंने पूरे मुल्क में ये जो गायों का जो बनाया विभाग बनाया राजस्थान, पहले बना निदेशालय बनाया मैंने, पहली बार गायों का अलग निदेशालय कहीं नहीं था देश के अंदर। हमने शुरुआत करी गौशालाओं को, मैंने पहले 125 करोड़ रुपये दिए पहली बार जब मैं दूसरा मुख्यमंत्री था 13 जनवरी। और अब आप देखिए 6 महीने का 9 महीना भी किया हमने, करीब 1100 करोड़ रुपये खर्च होंगे, 1100 करोड़ रुपये खर्च होंगे गौशालाओं को अनुदान देने के अंदर, जो अभी हमने निर्णय किया है। आप सोच सकते हैं कि गायों की सेवा आप सब करते, मुझे मालूम है गोमाता की सेवा करने में कोई कमी रखते नहीं है। हम चाहते हैं नंदी सालाय बने, क्योंकि आवारा पशु घूमते हैं गांव में और शहर में, कई बार एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कई बार कोई आदि मर जाता है, तो वो आवारा पशु भी घूमना बंद होना चाहिए, खेतों में नुकसान भी होता है। इसलिए हमने कहा नंदी साला जगह जगह खोलना चाहते, पंचायत समिति स्तर पर खुलेगी तो 1,56,00,000 रुपये सरकार देगी वहां पर नंदीशाला बनाने के लिए, और पंचायत में खोलेंगे तो 1 करोड़ रुपये देंगे हम लोग।
तो कुछ लोग आगे आना पड़ेगा, सब काम सरकार नहीं कर सकती। तब जाकर के मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर नंदी सालाय खोले, आवारा पशु की समस्या समाप्त हो, पीने के पानी के लिए घर घर नल पहुंचने योजना, आधा पैसा सरकार दे रही हमारी राजस्थान की, आधा पैसा दे रही केंद्र सरकार, वो काम भी बड़े रूप में चल रहा है जल जीवन मिशन का। बिजली कनेक्शन हमने कोई 1 लाख दे दिए हैं, 1 लाख की मैंने भी घोषणा करी है, और ये भी कह दिया 8 साल का जो पेंडिंग है आपका 8 साल का, वो तमाम अगले 1.5 साल में दे दिए जाएंगे, कनेक्शन बिजली के सब कनेक्शन मिल जाएंगे, कोई पेंडिंग रह जाएंगे। नौकरियां बच्चों को 1 लाख दे दी, 1 लाख की प्रक्रिया चल रही है, और 1 लाख जो है इस बार हमने घोषणा और करी है देने के लिए, तो कोई कमी रख नहीं रहे हम। रोजगार आप जानते हो बड़ी समस्या देश के अंदर, कोरोना के बाद में और तकलीफ ज्यादा हो गई। मुझे गर्व इस बात का है कि राजस्थान वासियों ने, धर्म गुरुओं ने भी, संस्थाओं ने भी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी, आप सब ने, प्रदेशवासियों ने, कोरोना काल में जब सबको चिंता थी पता नहीं किसको कोरोना हो जाए, कौन व्यक्ति जान चली जाए, उस वक्त मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग घरों बंद थे, इतनी सेवा आपने करी, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सब गरीबों की सेवा आपने करी, और मुझे खुशी है कि कोई कमी रखी नहीं किसी ने। इलाज में हमने फ्री इलाज किया सबका, पूरा इलाज फ्री, दवाएं फ्री, हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पर ऐसी व्यवस्था थी जो हमने करी थी। इस प्रकार से राजस्थान सरकार गरीबों को, जिसे कहते हैं गरीब को गणित मान के काम कर रहा है, उसी रूप में एक के बाद एक स्कीम ला रहे हैं। इंदिरा रसोई चल रही है शहरों के अंदर, अभी जो गरीब आदमी 8 रुपए में वो खाना भोजन कर सकता है, अब गांव में भी शुरू करने का हम लोग विचार कर रहे हैं कि तरह गांव में भी संभव होगा, कस्बों के अंदर वहाँ ऐसी योजना शुरू हो सके तो वो भी करें। महिलाओं को जो है हमारी बहने माता बैठे हैं, 1,33,00,000 परिवार है राजस्थान के अंदर, जिन सबका बीमा कर दिया गया है चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगा पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है सबको, गहने बेचने पड़ते हैं माँ बाप को बचाने के लिए, माँ बाप बूढ़े भी हैं तो अपने इतने अच्छे संस्कार है, माँ बाप की सेवा करते हैं अंतिम सांस तक, चाहे 50,000 खर्च हो, 10 लाख रुपये खर्च हो, तब भी हम उनकी सेवा करते हैं। मालूम है कि ये जिंदा नहीं बचेगा, डॉक्टर भी कहता है, तब भी अपन कमी नहीं रखते, ऐसे संस्कार हमें दिए गए हैं। तो हमने भी ऐसे लोगों के ध्यान रखा है किस प्रकार से उनका इलाज फ्री हो सके, पर 1,33,00,000 महिलाओं के नाम कार्ड बना है, कार्ड जो बना है मुखिया रखा, महिला को रखा, गर्भवती महिला को, अब उन महिलाओं को 1,33,00,000 मोबाइल फोन दे रहे हैं, मोबाइल फोन आप सबको दे रहे हैं, महिलाओं को चाहिए ताली जोरदार भेजा है, महिलाओं को ताली जोरदार भेजा नहीं चाहिए। 3 साल का उसमें इंटरनेट फ्री होगा, इंटरनेट भी खूब आप कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, दुख सुख को शेयर कर सकते हो, सरकार में कोई शिकायत दर्ज करवा सकते हो, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। बनने में टाइम लग रहा है, चक्कर ये हो रहा है कि हम तो जानते हैं 2 महीने में देने हैं, पर कंपनी वाले कहते हैं हमारे अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो 1 साल बना नहीं पाएंगे। 1,33,00,000 टेलीफोन 1 साल खरीद करके 7,500 करोड़ रुपये लगेंगे उसके, 7,500 करोड़ लगेंगे उस पर पैसा, सब महिलाओं को सतर्क करने के लिए, महिला सशक्तिकरण हो राजस्थान में, उसके अंतर्गत ये बड़ा प्रोग्राम भी आपने लिया गया है। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कोई कमी रखने नहीं है, और मेरा आपसे यही निवेदन है बच्चों को पढ़ते बच्चे हैं स्कूटी देने, 80,000 की स्कूटी होती है, वो 80,000 की स्कूटी होती है, और पहले 10,000 की मैंने 20,000 कर दी, 20,000 स्कूटियाँ बच्चों को मिल रही है, जो पढ़ने वाली बच्चियों को उनको अलग मिल रही है।
जो संख्या की है उनके ओल्ड एज पेंशन के मामला बहुत बड़ा मामला था। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान सरकार है जिसने सब कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जो अच्छी है उसको लागू कर दिया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रख रहे हैं। सरकार बनते हमने कर्ज माफी की, कॉपरेटिव बैंक के कर्ज माफ किए, भूमिगत बैंक के कर्ज माफ किए, 22 लाख किसानों को फायदा हुआ था। हालांकि हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं साहब आपने माफ किए ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो केंद्र की सरकार की। मैं मोदी जी को बार बार लिख रहा हूँ, आप उनको निर्देश दें, अगर बड़े बड़े अरबपति जो है देश के, किसी के 1000 किसी के 5000 करोड़ अगर माफ हो सकते हैं, ये तो गरीब किसान है। सेटलमेंट कर लो और सेटलमेंट पहले जो आएगा किसान के खाते में वो पैसा राजस्थान सरकार दे देगी, किसान में भार नहीं पड़ेगा। ये हमने उनसे बार बार कहा, पर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। सब काम जो हमने वादे किए थे पूरे किए, और तो लड़कियों के कॉलेज खोलने में राजस्थान अव्वल हो गया देश के अंदर। अभी हमने 211 कॉलेज खोली है राजस्थान में 3 साल में, जहाँ मांगी कॉलेज हमने दे दिए। आपके मेरे ख्याल बेटा में कॉलेज खुली होगी याद है मुझे, और जहाँ 500 लड़कियाँ हैं पढ़ने वाले स्कूल में, उस गांव में कस्बे में स्कूल को कॉलेज बना दिया गया है। ये इतना बड़ा निर्णय हमने किया, तो लड़कियों को दूर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए, माँ बाप भेजते भी नहीं कई बार, पढ़े छुड़ा देते हैं, हमने वो व्यवस्था भी कर दी। इस रूप में मैं समझता हूँ कि सरकार कोई कमी रख नहीं रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो है, आज जो हम इकट्ठे हुए हैं उसके अपने मायने हैं। हरिनारायण शास्त्री जी का बहुत बड़ा नाम था, उनके प्रवचन सुनने के लिए 1000 लोग आते थे, महिलाएं भी आती थी, पुरुष भी आते थे, और मैं देखता था कि हमारी मीटिंगों में बुलाना पड़ता है, और हरिनारायण महाराज मीटिंग करते थे तो बिना बुलाए महिलाएं ऊपर जाके बैठ जाते थे मीटिंगों में। इतना प्रताप था उनका, वो आज हमारे बीतने से देर हो गए, तो मुझे खुशी है कि बद्रीराम ठाकुर ने मुझे कहा कि आपको आना पड़ेगा। बद्री जी हमारे बहुत भगत है ये, और इसलिए इन्होंने कहा कि आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरी मन में भाव जो थी पहले सालों से कि रेल पीट में मुझे जाना एक बार है, वो मैं जा नहीं पाया उस वक्त में, उसका मुझे दुख था, दिमाग के अंदर भार था, आज भार वो उतर गया है, इस बात की मुझे खुशी है। और मैं समझता हूँ कि अब जो महाराज सत्यनारायण महाराज साहब हैं, अब इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है किस प्रकार से रैन पीठ का जो सम्मान है समाज के अंदर देश में प्रदेश में वो आगे बढ़ाएंगे। हम सबका सहयोग इनके साथ रहेगा, जो भी ये कभी सुझाव देंगे हमें रैन पीठ के लिए, हम कभी इनको मना नहीं करेंगे, सब काम करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको इस मौके पर कह सकता हूँ, और मुझे आज आने का अवसर मिला, मुझे इसकी बहुत ही प्रसन्नता, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यही कहता हूँ मैं आप सबको, फिर निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ से संकल्प ये पावन धाम है, यहाँ से संकल्प होना चाहिए कि हमें कोई भड़काएगा भी, भड़काने वाले लोग बहुत है। तो मोदी जी कहते हैं कि आप अपील करो देश को, ये तो कोई बुरा नहीं है। अगर विपक्ष में हम लोग हैं, हम अगर देश के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करें कि देश में जगह जगह पर जो तनाव हो गया है, दंगे होते हैं, ये सब खत्म होना चाहिए, आपका धर्म है, फर्ज है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, कि आप अपील करें जनता से, जनता में शांति श्रद्धा प्रेम मोहब्बत रहनी चाहिए। ये तो बुरा क्या है, ये तो कोई बुरा नहीं है। कोई ये कहे कि सत्य के मार्ग पर चलो, अहिंसा के मार्ग पर चलो, दरिया जी थे महाराज साहब वो भी कहते थे, हर धर्म ये सिखाता है कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, प्रेम भाईचारा मोहब्बत होनी चाहिए, तो कौन मना करेगा। तो प्रधानमंत्री जी से अभी पूरे देश के लेखक साहित्यकार पत्रकार और हमने राजनीति की और अपनी पार्टी है
आप बताइए सोनिया गांधी जी के नेतृत्व तेरह पार्टी ने मांग करी, प्रधानमंत्री आप दो टू पांच करोड़ देशवासियों से, भाई देखो मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ पर दंगे बर्दाश्त नहीं करूंगा, हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसका क्या देख रखा है? उत्तर को कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, समझ के मेरा मतलब कंजूसी कर रहे हैं, बोल नहीं रहे अभी तक, बोलना पड़ेगा उनको एक ना एक दिन कि सच्चाई हमारे साथ में, सच्चाई इसमें है। आप अपील करो प्रधानमंत्री के रूप में, देश में शांति भाईचारा रहे, हम भाई भाई के रह रहे हैं, क्या दिक्कत है उनको? और ये हिंदू मुसलमान करके जो ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू को अच्छा लग रहा है, अभी मजा आ गया। देखिए पहले राम मंदिर की बात हुई थी, अब वो नया आगे ज्ञान पीठ क्या हो वाराणसी के अंदर, ये बातें अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। हमें अगली पीढ़ी का भविष्य सुधारना है, वर्तमान पीढ़ी जो है वो सही रास्ता दिखाएगी तो हमारे औलाद होगी, बच्चे होंगे, बेटे होंगे, पोते होंगे, उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा देश के अंदर, ये भावना हमारी होनी चाहिए। अच्छा लगना बहुत कोई अच्छी बात नहीं इस प्रकार से, अगर झगड़े होंगे, दंगे होंगे, खून खराबा होगा, ये कोई भी देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे चिंता होती है कई बार वो क्या रहा देश के अंदर, इस प्रकार के तनाव क्यों है, हम क्यों नहीं जिंदगी को हजार साल के होते नहीं है, हजार साल से जिंदा की जो रहना है रह सकते हैं तो फिर भी झगड़े हो सकते हैं, झगड़े क्यों हो रहे हैं? हर धर्म सिखाता है। और मुझे बताया गया, पता नहीं मैं क्या कह सकता हूँ आपको, कि दरिया की महाराज ने कहा था राम में जो है रा वो तो मतलब है राम का, सही बात है, और माँ है राम का माँ उसका मतलब मोहम्मद है। ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रत्येक दरिया जी महाराज थे, और वो महाराज खुद ही कह रहे हैं जिनकी पीठ बनी हुई यही है, तो हमसे इस पीठ रैन पीठ से ज्यादा कौन समझ सकता है राम का मतलब? बताइए हम राम भगत नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? हमें घर नहीं कि हम हिंदू है, महात्मा गांधी ने कहा था मुझे घर है कि मैं हिंदू हूं, पर दूसरे धर्म जो हैं मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी जैन हो, उसका सम्मान करना मेरा धर्म बनता है, इसमें क्या गलत बात है? हम सब हिंदू हैं, हमें गर्व इस बात का, हम हिंदू हैं, पर इसका मतलब नहीं हम दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं, झगड़े करें, फसाद कराएं, दंगे करवा दें, जान चली जाती है। ज्यादातर में हमने चाक चौबंद के पुलिस को तीनों जगह तनाव हुए थे, दंगा नहीं बढ़ने दिया गया, एक आदमी जान नहीं गई राजस्थान के अंदर, पर क्या पता लगता है जब हिंदू मुस्लिम में दंगे होते हैं कितनी जान चली जाती है, कोई सोच सकता है? निर्दोष लोग मरते बेचारे, दंगा करवाने वाला कभी मैंने नहीं सुना मरते देखो, मैं लंबे से देखता हूँ जो दंगा करवाता है वो तो बच के भाग जाता है, मरता निर्दोष आदमी मरता बेचारा। ऐसे दंगाइयों को पहचानना चाहिए हमें, समाज में बहिष्कार करना चाहिए इस लोगों का, तब जाकर के हम आपस में प्रेम भाव ले पाएंगे। मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद किया, मैं आ सका, आपने जो प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद इस बार हमने इतने काम किए हैं, इस रूप में काम किए हैं कि जनता का मूड बदल रहा है, इस बार लगता है कि हमारी सरकार वापस रिपीट करेगी, आपका आशीर्वाद। पहले रिपीट नहीं हो पाई हमारी सरकार, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी आ रही थी, जब बदलती है सरकार 5 साल में तो काम रुक जाते हैं हमारे, रिफाइनरी 55 लाख की 40,000 करोड़ की रिफाइनरी थी वो, अब उसकी कीमत बढ़ करके 5 साल बीजेपी राज आया रोक दिया रिफाइनरी को, 40,000 के बजाय अब 30,000 करोड़ अधिक लगेंगे, मतलब 70,000 रुपये 70,000 करोड़ लगेंगे रिफाइनरी बनने के, 70,000 करोड़ रुपये 40,000 बन रही थी वो रिफाइनरी, सरकार बदल गई नुकसान होता है। हम चाहेंगे सरकार हमारी नहीं बदलो, हमने जो स्कीमें लागू किया आप लोगों के लिए और इसके मनाएंगे लागू करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के गांधी।
जननायक अशोक जी गहलोत साहब, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके प्रगतिशील नेतृत्व में राजस्थान यू ही कामयाबी के शिखर की ओर छुएगा। मैं रेण शाखा की स्थापना, मेरा निवेदन है कृपया आचार्य श्री जी का संबोधन है, कृपया बैठे रहें, दो मिनट में आचार्य श्री जी का संबोधन है, मेरा निवेदन है महिलाओं और महिलाओं से, कृपया बैठे रहें।